ये बताएं कि जब जीव की हत्या करने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो जीव वहाँ खड़ा रहता है, सिर झुका के खड़ा रहता है कि काटो, या आत्मरक्षा के लिए भागता है? इस दो में से एक को आंसर करना है बसा। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों है, वेजिटेरियन क्यों? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस, और कुछ जैन मानते ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजीपाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजीपाला में भी जान है, तो वो जरा अपनी फिलोसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते, जानवर दर्द को महसूस करते। इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात मानता हूं, क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है? मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गुंगा और भैरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है, जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉन वेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं मैं आपसे खुश हूं, अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसानों को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।